इमरान खान साहब की सरकार में जो इस वक्त सबसे बड़ा जो धमाका हो रहा है वो ये पूरे कंट्री के अंदर एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, एक केआस, एक कंफ्यूजन, बदहवासी, कुछ छोड़ने और डुबोने की तैयारियां कर रहे हैं। हालात आपके इस वक्त बिल्कुल आपके लॉ एंड ऑर्डर, बिल्कुल कोई गवर्नेंस नहीं है। पूरे पूरे कंट्री के अंदर केआस है कि क्या होने वाला है। ये 1.5 साल गुजरेगा, 1.5 महीना गुजरेगा, 1.5 हफ्ता गुजरेगा, ये हालात आपके चल। 3 सालों में सिर्फ 15 ट्रिलियन कर्जे लिए हैं, 15 ट्रिलियन। और जो उससे भी बड़ा धमाका ये है कि जो डॉलर है वो तारीख की बुलंद तरीन सतह पे, 1 अरब की गाड़ियां चला रहे होते हैं। नीचे उतरते ही आप कहते हैं कौम को जी पेट पे पत्थर बांधो, आप शुगर का चीनी खानी छोड़ दो, आप रोटी के बजाय केक खा लो। तो मेरे पास इस तरह तो लोग नहीं चलेंगे। क्या ये हुकूमत 5 साल पूरे करेगी? खान साहब सिर्फ बातों की हद तक, वो भी अपनी, खान साहब की अपनी कैबिनेट उनकी बातें नहीं सुनती। हालात ये है तो उसमें आके कौम फिर किस तरह, कौम तो फिर घंटे गिनेगी ना। कौम तो यही देखेगी, कौम को तो रिलीफ चाहिए। बल्कि मेरा एक अलमिया ये है कि अगर इस वक्त खान साहब जाते हैं तो इनकी जगह रिप्लेस कौन करेगा? सर ये बताएं कि 15 ट्रिलियन के कर्जे ले लिए, टोटल कर्जा जो है वो तो बहुत ऊपर चला गया है, डॉलर जो है वो खड़ा ही नहीं हो रहा, और कहा ये जा रहा है कि ये जो IMF के साथ जो मुजाकरात हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे, एडवाइजर साहब कह रहे थे हो गए हैं, वो ना होने की वजह से डॉलर फिर ऊपर चला गया है। सऊदीज ने 4.2 अरब डॉलर का जो हमें तोहफा दिया उसके बावजूद डॉलर नहीं रुका। आप क्या समझते हैं ये क्यों इतनी ज्यादा अनसर्टेनिटी क्यों है पाकिस्तान में? सर गैर यकीनी सूरत हाल है। चिकमा साहब इस वक्त असल में एक पूरे कंट्री के अंदर एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, एक केआस, एक कंफ्यूजन, बदहवासी। और मैंने खुद ये प्रेडिक्ट किया था ये दिसंबर अगला साल शुरू होने से पहले पहले ये 200 को टच करेगा, और इसके साथ आप देखेंगे कि पेट्रोल भी 200 को टच करेगा, और अब मुझे चीनी भी 200 को टच करती नजर आ रही है, और आटा भी खत्म होता जा रहा है। इसमें एक चीज जो मैं बड़ी तशवीश थी मुझे, और मैंने उसको कन्फर्म भी किया है, एक तो अफगानिस्तान की सिचुएशन, वहां पे उनकी इकॉनमी का कोलैप्स होना, उनका कोई सेंट्रल बैंक इस वक्त काम नहीं कर रहा, और आपके 25% डॉलर जो है वो अफगानिस्तान में जा रहे हैं थ्रू पेशावर। एक तो ये रीजन है, दूसरा सप्लाई और डिमांड है। इस वक्त वो जब कहते हैं शिप में हिलजुल होती है सबसे पहले चूहे भागते हैं, तो वो इस वक्त वो अपने डॉलर लेके दुबई और लंदन की तरफ भाग रहे हैं। एक तो वो डिमांड बढ़ गई है, आप बल्कि मैं बताना चाहूंगा कि इस वक्त आपके बासर लोग अपनी प्रॉपर्टियां बेच रहे हैं और जो पैसा इकट्ठा करके भागने की तैयारियां कर रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट है। तीसरा इसका जो मैंने देखा है, जो बात आपको मैं बताना चाह रहा था, मैं खलीज टाइम में मैंने पढ़ा इस चीज को कि जब अमेरिका अफगानिस्तान में था तो उस वक्त हर हफ्ते हर 15 दिन के बाद $500 मिलियन अमेरिका वहां पे पंप करता था, अफगानिस्तान लेके आता था अपनी और अफगानियों की जरूरतें पूरी करने के लिए, और उनमें से 5 से 6 मिलियन जो डॉलर था वो पाकिस्तान आता था। उसमें वो डॉलर आने बंद हो गए, एक तो वो था, और तीसरा आपके मैं ये बताना चाहूंगा कि IMF का जो आपने खुद भी फरमाया है कि एक तो वो ब्लॉकेज के नहीं आ रहे पैसे, दूसरा IMF के साथ आपने देखा होगा जब भी डीलें करते हैं तो उसमें उनकी ये कंडीशन होती है कि आपने रुपए को डीवैल्यू करना। और आखिरी बात जो मैं ये बताना चाहूंगा कि जो हम बात कर रहे थे कि सऊदी अरेबिया ने तोहफा दिया है, सऊदी अरेबिया ने तोहफा आपको को नहीं दिया, सऊदी अरब ने सिर्फ ये किया है कि वो आपको खींच के वापस अमेरिकन कैंप में ले जाना चाहते हैं। आपने एक चीज नोट की होगी कि पिछले महीने में हमारे 3 फेडरल मिनिस्टर Washington DC आए, 3 साहब यहां थे, पाकिस्तान नहीं गए, वो सीधे सऊदी अरेबिया गए हैं, वहां से चेक लेकर वो पाकिस्तान गए, और वो जब चेक लेकर गए थे तो डॉलर मेरा ख्याल एक दिन के लिए 169 पे गया था, दूसरा दिन फिर वापस आ गए। तो असल में इस वक्त हालात ये हैं कि आपके जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, अफगानिस्तान का इंपैक्ट और सप्लाई डिमांड, क्योंकि आपके सारे जो फॉरेन नेशनल या आपके जितने जो आपके कैबिनेट और दूसरे लोग बासर लोग हैं वो हमें प्रॉपर्टियां बेच बेच के अपना करप्शन का पैसा लेके बाहर निकल रहे हैं। अब मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि जो नए कर्जों के बारे में, पिछले 70 साल में आपके कर्जे कितने थे? $25 ट्रिलियन, लेकिन 3.5 साल में अब $40 ट्रिलियन है। मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से कि वो कहते हैं ना, जिस तरीके से खुल के लोटे डाली गई है उसके निशानात आप देखेंगे आने वाले दिनों में।
कि वो क्या होता है, आप स्टोरियां ऐसी ऐसी सुनेंगे कि आप हैरान हो जाएंगे कि पिछले जो दो पार्टियां थी वो, मैं खैर एक दफा मैंने आपको पहले भी शायद अर्ज की थी कि जावेद चौधरी साहब ने आर्टिकल लिखा था कि करप्शन वर्सेस बेवकूफी, लेकिन मैं उसके साथ ऐड एक लफ्ज करना चाहता हूं कि जब बेवकूफ आदमी करप्शन करता है फिर वो खुल खुला के करता है, वो इस तरह की करप्शन करके भागता है, उन्होंने परमानेंट बार शिफ्ट होना है। उन्होंने ये देखे ना, अभी तो नून लीग वाले पीपल्स पार्टी वाले ये जाते हैं फिर वापस आ जाते हैं, इस वक्त ऐसे यार दोस्त हैं जो करीबी हैं वो परमानेंट भागने की तैयारियां में, उन्हें पता दोबारा चांस नहीं मिलना, तो इस तरीके से खुल खुला के इस वक्त लूटमार जारी है और उसी वजह से आपका डॉलर भी आउट ऑफ कंट्रोल है। और दूसरा, मैं आपके कई वुजरा को मुसलसल देखता हूं कि उन्होंने बड़ी बड़ी स्टेटमेंटें दी बड़े बड़े एंकरों के सामने बैठ के, हमारे कौन से तेल के कुएं हैं, पाकिस्तान में कौन सा तेल का कुआं है जहां से पेट्रोल निकाल के सस्ता कर दे, आपके चीनी के कुएं तो है ना, जितना आपका शुगर माफिया आपके कैबिनेट में है, बख्तियार साहब आपके शुगर माफिया का हिस्सा है, टेबल पर बैठे हैं, तो आप वो चीनी के साथ क्या कर रहे हैं, 160 रुपए की चीनी बिक रही है और मैं आपको गारंटी कर देता हूं महीने डेढ़ तक 200 में जाएगी, तो सारे मिलकर पैसा बना रहे हैं। और आज मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से आटे का स्कैंडल शुरू हो, आटे की शॉर्टेज शुरू हो चुकी है। आप एग्रीकल्चर कंट्री हैं, आपके पास आटे के भी कुएं हैं, आपके पास चीनी के कुएं भी हैं, लेकिन आपके पास विल मौजूद नहीं है, आपका कंट्रोल मौजूद नहीं है, आप माफियाज इस वक्त पाकिस्तान को चला रहा है। खान साहब सिर्फ स्पीच के हद तक बहुत अच्छे हैं, हजरत उमर की मिसालें देने के लिए बहुत अच्छे हैं, रियासत मदीना की मिसालें देने के लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो माफियाज जो इन्होंने इलेक्टेबल करके अपने साथ लाए थे वो बिल्कुल छोड़ने और डिबोने की तैयारियां कर रहे हैं। हालात आपके इस वक्त बिल्कुल आपके लॉ एंड ऑर्डर, बिल्कुल कोई गवर्नेंस नहीं है, पूरे पूरे कंट्री के अंदर केआस है कि क्या होने वाला है, ये डेढ़ साल गुजरेगा, डेढ़ महीना गुजरेगा, डेढ़ हफ्ता गुजरेगा, ये हालात आपके चल रहे हैं इस वक्त। अच्छा, एक सवाल हर बंदा हमेशा पूछता है, क्या ये हुकूमत 5 साल पूरे करेगी? मुझे इस चीज की समझ नहीं आती कि हमारे अवाम के अंदर इस चीज का क्यों शक रहता है कि कोई भी हुकूमत 5 साल कंप्लीट नहीं करेगी। ये एक बड़ा, मुझे बड़ा परेशान करता है ये सवाल, हालांकि कोई भी पिछली हुकूमत भी थी, ये हुकूमत भी है, लोग पूछ रहे हैं ये 5 साल पूरा कर लेंगे, और ऊपर से जिस तरह के खान साहब ने अभी 15 ट्रिलियन, जिस तरह के आपने भी बताया कि 15 ट्रिलियन कर्जे ले लिए पिछली हुकूमतों से ज्यादा, लेकिन वो कहते हैं कि हमने जो कर्जे लिए उसमें से आधा पैसा तो सूद के लिए चला गया, 7.5 ट्रिलियन तो हमने ले लिया कर्जों के लिए और बाकी सूद के लिए, और 7.5 ट्रिलियन हमने और चीजों के लिए लिया। तारण साहब, सिचुएशन ये है कि हमारा सालाना खर्चा 8,000 अरब डॉलर है, सॉरी 8 ट्रिलियन रुपीज है, और जो हमारी आमदन होती है वो 5.5 होती है, सो हर साल 2-2.5 ट्रिलियन का ये खसारा होता है, खर्चे कम नहीं हो रहे, और तारण साहब जो महंगाई है वो ऊपर जा रही है, खर्चे वही ऊपर बढ़ रहे हैं, वो तो ऊपर ही जाने हैं, लेकिन आमदन जो है वही 5-6 ट्रिलियन इसी के करीब है, तो तारण साहब ये हम कहीं ये कोलैप्स ना कर जाए सारी स्टेट आइडिया, ये जो बचाने का है, क्या हमारी हालत ये कोंगो जैसी ना हो जाए, कोई जो बनाना रिपब्लिक की मिसालें देती है, अगर इसी तरह पैसे लेने शुरू कर दिए, और अवाम ये सवाल कॉन्टिन्यूसली कर रही है कि हुकूमत सरवाइव नहीं करेगी, तो ये जो परसेप्शन होती है उसकी कोई ना कोई वो रिफ्लेक्शन कहीं ना कहीं तो आती है, फिर तो ये गैर यकीनी सूरत हाल ये क्या बनेगा इस सिनेरियो में? देखिये, आपके माजी में मिसालें मौजूद हैं कि हुकूमतें 5-5 साल अपने पूरे नहीं करती थी, बल्कि कोई एक दो तरजीह में जो 5 साल पूरे किए, लेकिन देखे ना इस वक्त हालात आउट ऑफ कंट्रोल नजर आते हैं। कॉमन मैन जो है उसकी जिंदगी, मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से पाकिस्तान में मेजोरिटी तबका 2 वक्त के खाने की बजाय 1 वक्त की खा रहा है, और जिस तरीके से वो मिसमैनेजमेंट देखता है, जिस तरीके से वो मिनिस्टर्स के लल्ले तल्ले देखता है, जिस तरीके से वो देखता है कि करप्ट जो हमारे एमएनए जो वजीर आते हैं और उनके आगे पीछे 5-5 करोड़ की गाड़ियां और वो भी 10-10 हैं, इसीलिए तो वो उनकी बात पे यकीन नहीं करते। आप एक मिनिस्टर निकलता है जिसके पास आसपास 6 गाड़ियां ऐसी आती जो 5-5 करोड़ की आती हैं, और नीचे उतरते ही फौरन कौम को कहता है कि पेड़ पे पत्थर बांध लो, लोग किस तरह उसकी बात पे यकीन करें कि भाई खुद तुम, आप मेरा मकसद है, आप दुबई में आपकी प्रॉपर्टियां हैं, लंदन में आपकी प्रॉपर्टियां हैं, एक आपकी टांग मुल्क से बाहर है, एक अंदर है, और उसके बाद आप जिस तरीके से आपके साथ 50-50 बंदे कलाशनकोफों वाले, आपका पूरा फ्लीट जो होता है उसको अगर जरब दे तो 1 अरब की गाड़ियां चला रहे होते हैं, नीचे उतरते ही आप कहते हैं कौम को जी पेट पे पत्थर बांधो, आप शुगर चीनी खानी छोड़ दो,
आप रोटी की बजाय केक खा लो, तो मेरे पास इस तरह तो लोग नहीं चलेंगे ना। जब आपने मैंने शायद आपको अर्ज किया था, अगर खान साहब ने अपना मैंडेट डिलीवर किया होता तो आज कौम उनके सामने खड़ी होती, चाहे कुछ भी हो जाता। लेकिन खान साहब ने मैंडेट डिलीवर नहीं किया। खान साहब सिर्फ बातों की हद तक, वो भी अपनी, खान साहब की अपनी कैबिनेट उनकी बातें नहीं सुनती, हालात ये हैं। तो उसमें आके कौम फिर किस तरह, कौम तो फिर घंटे गिनेगी ना, कौम तो यही देखेगी, कौम को तो रिलीफ चाहिए। बल्कि मेरा एक अलमिया ये है कि अगर इस वक्त खान साहब जाते हैं तो इनकी जगह रिप्लेस कौन करेगा, मेरा मतलब इनसे बेहतर कौन आएगा, ये भी एक दूसरा क्वेश्चन मार्क है। देखिए मैं अगले दिन एक ग्रुप में बैठा था तो उन्होंने कहा सोल्यूशन, मैं कहा सोल्यूशन तो एक फॉरन इमीडिएट फेयर इलेक्शन है, ताकि कोई नया मैंडेट लाए और कोशिश करे वो डिलीवर करने की, कौम नया मैंडेट दे किसी को। लेकिन वो भी किसको देंगे, सारे लोग तो आजमाए हैं, ये जो सारे लोग खान साहब के साथ हैं ये भी तो उन्हीं पार्टियों से आए हैं, इन्हीं लोगों ने वापस चले जाना है, उनके उन्हीं के टिकटों में फिर इलेक्शन लड़ लेंगे ये लोग। यही सारे जो इस वक्त करप्ट लोग इस वक्त खान साहब के साथ बैठे हैं, ये वापस जाके अब जा रहे हैं अपनी अपनी पार्टियों में वापस, फिर वही दोबारा लोग आ जाएंगे असेंबलियों में। मसला ये है, खान साहब ओरिजिनली एक तो डिलीवर नहीं कर पाए। खान साहब को अगर मैं मशवरा, मैंने कई दफा दिया था, खान साहब को चाहिए ये कि कौम के सामने आकर खुल के अपनी सारी बात बताएं और अपोजिशन में बैठ जाए। मैंने बड़ा अरसा पहले ये कहा था, क्योंकि ये बड़ा एक मैच्योर स्टेप।